For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, मैं लेकर आ गई हूँ वापस से आपके लिए बिग बॉस के वीकेंड का वार की टॉप 5 हाइलाइट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1। वेल, कल का दिन शुरू होता है घर में आए हुए दो मेहमानों से। यस, यानी कि घर में आते हैं केदारनाथ के स्टार्स सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही साथ सारा अली खान। अब इन दोनों के आते ही जाहिर सी बात है ये घर में भी जाएंगे। काफी धमाल मस्ती होती है, सलमान के साथ ही काफी धमाल मस्ती करते हैं, साथ ही साथ घर के अंदर भी जाते हैं जहाँ ये कंटेस्टेंट्स के साथ एक गेम खेलते हैं। यस, ये लोग गेम शो में आते हैं और घर के अंदर जाकर ये गेम खेलते हैं जिसमें सब पर एक एक इल्जाम लगाया जाता है और उसके बेसिस पर जिसको जितने वोट्स मिलते हैं उन्हें पानी का गुब्बारा फेंका जाता है। जी हाँ, तो दीपिका, रोमिल, दीपक, जसलीन, इन सभी पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं जैसे कि आप फेक हो, आप खुद गर्ज हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की सारी चीजें। और फिर ये सब होने के बाद दोनों ही एक्टर्स जो है वो घर से अलविदा लेते हैं। फिर स्टेज पर सलमान को जाकर ज्वाइन कर उनके साथ काफी धमाल मस्ती करते हैं, काफी गेम्स खेलते हैं और फिर अपनी फिल्म को प्रमोट करके निकल जाते हैं। नंबर 2। उसके बाद आता है घर में घर वालों से भिड़ने का मौका। जी हाँ, यानी कि आता है घर में सुल्तानी अखाड़ा जहां पर रोमिल और रोहित इन दोनों को भेजा जाता है, जहां पर जो पहला राउंड होता है वर्बल राउंड, जहां पर रोमिल को और रोहित को ये प्रूव करना होता है कि कौन शो में रहने लायक ज्यादा है। तो वहां पर रोमिल और रोहित आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं काफी ज्यादा और वो पॉइंट जाता है रोमिल को, क्यों? क्योंकि घर के ज्यादातर कंटेस्टेंट्स रोमिल को सपोर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद राउंड 2 आता है जिसमें फिजिकल वॉर होती है और फिजिकल वॉर में कौन जीता है, फिजिकल वॉर में जीतते हैं रोहित और सुल्तानी अखाड़े के विनर भी बन जाते हैं, हालांकि उन्हें विनर नहीं बनना चाहिए था, बट स्टिल। नंबर 3। एपी फिज कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आता है जहां पर सोमी के लिए ये कॉल आता है। जी हाँ, सोमी के लिए कॉल आता है और सोमी से ये कहा जाता है कि आपने रोमिल से लड़ाई की, फिर आपने तुरंत पैचअप कर लिया जब रोमिल ने पंचायत वाले टास्क में आपको धमकी भी दी, इनडायरेक्ट धमकी दी, क्यों ना मेरी दुश्मनी भी उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी दोस्ती अच्छी है। तो इस तरह की तमाम सवाल जो एपी फिज कॉलर है वो पूछती है, जिस पर सोमी ये कहती है कि आई नो कि रोमिल का कहने का मतलब वो नहीं था जो उन्होंने कहा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोमिल ने वो बात कही वो दिखने में कुछ अलग लगा हो, लेकिन बाद में उन्होंने आके मुझे सॉरी बोला। तो ये तमाम चीजें सोमी जो है वो क्लियर करती हुई नजर आई और फिर सलमान से भी कहा कि वो मेरे दोस्त हैं और यानी रोमिल उनके दोस्त हैं, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है और जो भी सिचुएशन थी उन्होंने टाइम लिया और फिर वो सॉर्ट आउट हो गई उनकी प्रॉब्लम। आई होप सॉर्ट आउट हो गई। नंबर 4। जैसे ही सारा और सुशांत घर से बाहर जाते हैं वैसे ही रोमिल और दीपक के बीच में लड़ाई हो जाती है, बिकॉज रोमिल जो है वो कहीं ना कहीं दीपक को एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि 11 हफ्ते हमने घर में साथ में गेम खेला है और सिर्फ एक वर्ड की वजह से अगर तुम गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हो और गलत जा रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग रॉन्ग इन द शो। जिस पर दीपक जो है वो तिलमिला उठते हैं और गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभी दीपक ऐसा दिखाते हैं कि वो और सुरभि जो भी कह रहे हैं एवरीथिंग इज राइट विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये दोनों को लगता है ये लोग हमेशा सही बोलते हैं विच इज नॉट राइट। दीज गाइज आर समटाइम्स वेरी इरिटेटिंग ऑनेस्टली। बट फिर रोमिल और दीपक की लड़ाई होती है जिस पर रोमिल ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ ये चीज कही है, मैं जो भी चीज है मुंह पे बोलने की हिम्मत रखता हूँ, तुम्हारी तरफ पीठ पीछे बकवास नहीं करता और ये दोगलापंती नहीं करता। जिस पर दीपक भी चिढ़ जाते हैं और दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, लेकिन वो फिर वहीं पे बंद हो जाता है। नंबर 5। घर में सलमान खान देते हैं सभी को सरप्राइज और घर में होता है नो इविक्शन, एब्सोल्युटली नो इविक्शन। जी हाँ, सलमान सभी से ये कहते हैं कि इस बार घर में कोई इविक्शन नहीं होने वाला है और सभी कंटेस्टेंट सेफ हैं। हालांकि अभी की जो वोटिंग लाइंस, जो वोट्स जितने भी आए हैं वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे, साथ ही साथ जितने भी कंटेस्टेंट्स जो नॉमिनेटेड हैं वो नेक्स्ट वीक भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसमें एडिशंस भी हो सकते हैं, जो लोग नॉमिनेटेड नहीं है वो भी नॉमिनेट हो सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें सलमान खान ने भी कही घर वालों को, जिस पर मुझे अब ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक या फिर शायद सलमान ने एक हिंट दिया ये कहकर कि मिड वीक इविक्शंस भी हो सकते हैं घर में। आई गेस मिड वीक इविक्शन भी हो सकता है। और इसी के साथ वीकेंड का वार खत्म होता है जहां पर काफी लोगों की बैंड बजाई गई, काफी लोगों को कुछ सुनाया गया, काफी एंटरटेनमेंट भी मिला, काफी डोज भी मिला, डांट भी पड़ी काफी कंटेस्टेंट्स को जैसे कि श्रीसंत और सुरभि को। और देखना ये होगा कि ये जो वीकेंड कवार पर धमाल मचाया गया है अब ये आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा बिग बॉस। और अगर बिग बॉस मिस कर दिया है तो मैं हाइलाइट्स लेकर आती रहूंगी, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।